हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं शिल्पी एक बार फिर से आई हूँ आप सभी के सामने चार साहिबजादे टू राइस ऑफ बंदा सिंह बहादुर का लास्ट पार्ट लेके, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से वजीर खान का सर कलम हुआ और किस तरह की से हमारी जीत हुई। तो चलिए फिर समय को बिना गवाए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए और आपको ये मूवी बहुत 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 पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, देन अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का लास्ट पार्ट और देखते हैं। कहो किस थी आप छुपाईदा, कहो किस थी। जंग का मैदान चप्पड़ चिड़ी है। उस दिन बनूर, मनीमाजरा और खैर के किलों से वजीर खान का कोई भी जरूरी सामान उस तक ना पहुंचे। बंदा सिंह, तलवारें देख, तोपे देख, देख मेरी फौज की तादाद देख। इसे कहते हैं गुरूर। जब इंसान का विनाश होता है ना तो ऐसे ही बोलता है। सुभान अल्लाह, मैं उन सिंहों की फौज के चिथड़े हवा में उड़ते देख रहा हूँ। दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए ये तोपे ही काफी हैं। कुछ तो वहीं खत्म हो जाएंगे, बाकी डर के मारे मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। खेल खत्म। 15,000 पैदल और 12,000 घुड़सवार सिपाही, दर्जनों हाथी, तीरंदाज, खूंखार, 5,000 गाजी और बहुत सारी तोपे, खबर पक्की है। हमारे स्वागत के लिए अच्छी तैयारी की है वजीर खान ने। बंदा सिंह जी, हम तोपों का मुकाबला कैसे करेंगे? बस तोपों की मार का पता चल जाए कि कहां से कहां तक है। बंदा सिंह जी, गांव के जो नौजवान हमारी फौज में शामिल होने आ रहे थे, वजीर खान ने उनको मरवा कर उन्हीं के गांव के चौराहों पर लटकवा दी ताकि और लोग हमारे साथ जुड़ने की हिम्मत ना कर सके। सच में बहुत ही। तुझे ये खबर कहां से मिली? मुझे ये खबर अपने साथ नए जुड़े सिपाहियों के खेमे से मिली। मुझे बता, वजीर खान की फैलाई इस दहशत के बारे में सुनकर तुझे कैसा लगा? जी मेरा तो खून खौल रहा है, पर सिंह जी मैं अपने साथ जुड़े नए लोगों की बात कर रहा हूँ। घबराओ मत, वजीर खान की फैलाई ये दहशत हमारे सिंगों के खून को उबाला देगी। बस इस खून को ठंडा मत होने देना। जंग से ठीक पहले जालिमों ने ऐसी हरकत डर फैलाने के लिए की है। गुरु साहब, सरहद पर फतह हासिल करने के लिए क्या ये उचित समय है? आप तो गुरु पिताजी को अपना सेनापति मानते हो, फिर भी सोच में पड़ गए। खालसा जी, हमले का उचित समय तब है जब आप तैयार हो। और जब आप तैयार हो, हर सिंह तैयार है। गौर से सोचो खालसा जी, ये कायराना हरकत उसकी घबराहट है। अंदर से वो आपसे डर गया है। सिंह जी, जी आगे बढ़ो। हाँ, हम आपके साथ हैं। खालसा जी, सरन से एक आदमी और एक औरत आपको मिलने आए हैं। वो पहले भी 2-3 बार आ चुके हैं, कहते हैं जंग शुरू होने से पहले आपसे मिलना जरूरी है। हाँ जी, बताओ। जी मैं नूरा हूँ। गुरु साहब जी के कहने पे मैं सरहंद गया था। हाँ, भाई दया सिंह ने तुम्हारे बारे में बताया था। ये मेरी बहन रजिया, जिसने छोटे साहबजादों की दीवार में होती शहीदी अपनी आंखों से देखी है। मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूं।
ये है उस दीवार की ईंट, बहुत साल से मैंने अपने पास संभाल कर रखी थी। ये आपके लिए है, जंग में अपने साथ रखिएगा। मेरा विश्वास है आप वजीर खान को वो सजा दे सकेंगे जिसका वो हकदार है। हम आपके साथ हैं। बस बहन जी रोना नहीं, गुरु साहब का लाख लाख शुक्र है उन्होंने आपको मेरे पास भेजा। आज मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं कि उस दिन और उससे पहले सरहन में क्या क्या हुआ था। सच्चे बादशाह, आपने तो मुझे पंजाब आजाद कराने भेजा है, किसी से बदला लेने के लिए नहीं। लेकिन जंग में जाने से पहले जो हैवानियत की आंखों देखी, कहानी इस बहन से सुनी है, उसको सुनकर बस मैं यही अर्ज करूंगा कि जिस वक्त वजीर खान मेरे सामने हो उस वक्त आप मुझे माफ कर देना, माफ कर देना। बंदा सिंह, ये कोई सडोरा या समाना नहीं, ये सरहंद है, सरहंद वजीर खान का सरहंद। वजीर खान, ना ही मैं तेरा कोई फौजदार हूँ, ना ही कोई पहाड़ी राजा। सिंह हो सिंह, गुरु का सिंह। ओए सिंगा, क्यों मौत को दावत देता है? अपने सिपाहियों के साथ आकर मेरे सामने हथियार डाल दे। उन दो मासूम बच्चों का सर नहीं झुका सका और तुम गुरु के इन सिंहों को गुलाम बनाने के सपने देख रहा है? ओए, घुटने टेक दे, मैं तुम सब की जान बख्श दूंगा। तू घुटने टेकने के बारे में सोचना भी मत साले, मैं तेरी जान नहीं बख्शूंगा। तेरी ये मुट्ठी भर फौज शाम तक मेरे कब्जे में होगी। तू आगे तो बढ़, इधर मेरी तोपों को देख। ओए इधर मेरे सिंगों को देख, एक एक आग का गोला है। बंदा सिंह, आखिरी मौका है तेरे पास। वजीर खान, आखिरी ख्वाहिश है तो बता। तू कल का उगता सूरज नहीं देखेगा। सूरज तो आज तेरे मरने के बाद ही डूबेगा। दुनिया की सबसे अव्वल कौम के सुरमाओं, दुश्मन पे ऐसा हमला करो कि हमारे खौफ से इनकी आने वाली पुश्ते कोख में ही खत्म हो जाए। खालसा जी, काल बनकर टूट पड़ो इन दुश्मनों पर। तुम फौज अकाल की हो, हम सिंह गरज कर आज सरहंद में हुए पापों का इंसाफ करेंगे। गर्व से भर उठेगा हमारी आने वाली पीढ़ी का सीना जब वो आज का इतिहास पढ़ेंगे। आज की जंग का सेनापति कौन? देह शिवा शुभ कर्मन दे, न डरूं अरसों जब निश्चय कर अपनी, निश्चय कर अपनी, निश्चय कर अपनी। तेजी से आगे बढ़ो इससे पहले कि दूसरी तोपों का हमला हो जाए। तीर चला।
जनाब बुरी खबर है, चप्पड़चिड़ी आने वाले हमारे बनूर खरड़ मणिमाजरा के किलों के हर रास्ते पर सिख दीवार बनकर खड़े हैं, इसलिए कोई असला कोई मदद हम तक नहीं पहुंच पाएगी। मदद की जरूरत तो अब उस बंदे को पड़ेगी, उसकी फौज में शामिल मेरे लोग अब बाजी पलट देंगे। सुचानंद अब खेल खत्म। बंदा सिंह जी, मुगलों की तोपें भारी पड़ रही हैं। हमारे नए गुदे सिपाही मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। सिंह जी, बाकी बची फौजों को कहो खंडा खड़काने का वक्त आ गया है, चलो। जंग के मैदान में बहुत सही, बहुत सही। तूने अपनी हत्थे को तलवार देकर, मैं होता तो तुझे चीर के रख देता। निहत्थे पे कर वार, हाँ कर। मंदे बहुत सही। जब कदम मंदा होए, देखा मजलूमों पर अत्याचार करने वाला हर कोई एक दिन ऐसे ही धूल चाट रहा होगा। अब तो ये सोच रहा है ना कि मैंने तुझे जान से क्यों नहीं मारा। इधर देख, ये उस दीवार की ईंट है जिस दीवार में खड़े करके तूने मेरे गुरु के बच्चे शहीद किए थे। ये ईंट 5 साल पुरानी है। बाबा फतेह सिंह की उम्र भी उस वक्त 5 साल की थी। इस ईंट से मैं 9 जगह से तेरे शरीर को खोलूंगा, क्योंकि बाबा सुरावर सिंह की उम्र उस वक्त 9 साल की थी। अपनी करनी का फल भुगतने के लिए और मारो, तैयार हो जा कातिल। बहुत सही यार, बहुत सही। अभी सालिम मरा है, इसकी परछाई अभी जिंदा है। सरहंद चलाओ। काजी साहब,
काजी साहब, काजी साहब, दरवाजा खोलिए। सच्चानंद, क्या खबर है? हम लड़ाई हार गए हैं, वजीर खान मारा गया। बाल बच्चों को लेकर दिल्ली भागो? ये तो सच्चानंद है। सच्चानंद, कहां भागेगा तू? तेरी मौत है सच्चानंद, सच्चानंद। छोटू, मुझे सच्चानंद। माफ कर दीजिए, बड़ी भूल हो गई है। याद कर, इसी जगह पर खड़े होकर तूने मेरे गुरु साहब के बारे में क्या कहा था? सुना आपने? सांप के बच्चे सांप ही होते हैं। ये लीजिए, इसी जबान से कहा था ना, काट दीजिए इसे, मुझे मारिए मैं। और अब याद कर, तुझे बाबा जोरावर सिंह ने क्या जवाब दिया था? सच्चानंद, जुबान को लगाम दे, मजलूमा देव दोस्त ने, नेकी उनकी पहचान है, शीश झुकाकर आदर कर, गुरु गोविंद सिंह उनका नाम है। लीजिए, मैंने अपना शीश झुका दिया, अपना शीश गुरु साहब को झुका दिया, आपके साथ में भी झुका दिया, ये शीश अब इसी तरह झुका रहेगा, बस मेरी जान। सर ऊपर कर पाखंडी, अपनी जुबान से बोल कर बता, फिर बाबा फतेह सिंह ने तुझे क्या कहा था? शुक्र कर हम तुम्हारे कैदी हैं, नहीं तो कसम गुरु पिता की, अब तक तुम्हारा सर कंधों से गिर चुका होना था। माफ कर दीजिए मुझे ठंडे बोझ में उम्र भर के लिए कैद कर दीजिए, बस मारिए मत। तो शुक्रिया अदा कर बाबा फतेह सिंह का, जिन्होंने तेरी मौत का आसान सा फरमान उसी दिन जारी कर दिया था। उन मासूमों का कहा तो मुझे पूरा करना ही पड़ेगा। वजीर खान की बेगम और बच्चों को अपनी हिरासत में ले लिया। ये जहां जाना चाहते हैं इन्हें उसी जगह पर हिफाजत और इज्जत के साथ छोड़कर आओ।
गुरु साहब की मेहर है उस वजीर खान के बच्चों को रिहा कर दिया जिसने गुरु साहब के बच्चों को दीवार में चिपकाया था। बंदा सिंह बहादुर ने न केवल पहला खालसा राज स्थापित किया बल्कि अपने गुरुओं के नाम के सिक्के भी चलाए जिन पे गुरुओं को श्रद्धांजलि अंकित थी। उन सिक्कों को नानक शाही यानी गुरु नानक जी की मोहर कहा जाता था। उन सिक्कों पे अंकित था सबके दाता सतगुरु नानक जी की असीम कृपा से और शहनशाहों के शहनशाह सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी की तेग की फतेह से ये सिक्के आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों जगत के लिए जारी हुए हैं। बंदा ने लोहगढ़ किले को अपनी सैन्य शक्ति का मुख्य केंद्र बनाया और जिन पहाड़ी राजाओं ने गुरु साहब को अनंतपुर के युद्ध में धोखा दिया था उनके राज्यों पर कब्जा कर लिया। बंदा का राज पंजाब में लाहौर के बाहरी हिस्से से लेकर दिल्ली के करीब सोनीपत तक फैला हुआ था। भाई फतेह सिंह जिन्होंने वजीर खान का सर कलम किया वो समाना पे हुए हमले से पहले अपना जत्था ले बंदा सिंह से आ मिले थे। वो जिस गांव के रहने वाले थे उसे आज गांव
चक फतेह सिंह वाला के नाम से जाना जाता है। उनके पूर्वज सिखों के चौथे गुरुजी से करीब से जुड़े हुए थे। फतेह सिंह की 12वीं पीढ़ी आज भी उसी गांव में रहती है। क्या बात है। बंदा सिंह का विवाह चंबा के राजा उदय सिंह की पुत्री सुशील कौर से हुआ था, जिन्होंने पुत्र अजय को जन्म दिया। दूसरा विवाह साहेब कौर जी से हुआ, जो गुरदास नंगल से बंदा सिंह की गिरफ्तारी के वक्त उनके साथ नहीं जा सकी, क्योंकि वो उस वक्त गर्भवती थी। बाद में उन्होंने पुत्र को जन्म दिया, जिनकी 9वीं पीढ़ी आज कटरा से 18 किलोमीटर दूर रियासी गांव में और रोहतक में रहती है। मुगल लोग अर किला जीतने के बाद भूखे भेड़ियों की तरह बंदा सिंह को खोज रहे थे। तब उसने रोपड़ जलंधर राजमार्ग पर रायल माजरा गांव की गुफाओं में शरण ली थी। भूल भुलैया जैसी ये ऐतिहासिक गुफाएं पहाड़ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैली थी। इनकी ऊंचाई सिर्फ एक घोड़े के गुजरने लायक थी, इसलिए छिपने का उत्तम स्थान थी। ये गुफाएं आज भी मौजूद हैं, संख्या पहले से कम है। बादशाह फारूक शियार के हुक्म पर मुगलों ने बंदा सिंह को गिरफ्तार करने के लिए गुरदास नंगल को 8 महीने तक घेरे रखा। बंदा सिंह ने फिर पत्नी सुशील को, बेटे अजय और 200 से भी ज्यादा सिखों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। परिवार के साथ बच निकलने का मौका होने के बावजूद उसने अपने गुरु की इस सीख पर डटे रहना चुना कि मरना उसका ही सफल माना जाता है जो दूसरों को हिम्मत से मरने का हुनर सिखा दे। खौफ फैलाने के लिए बंदा सिंह के शरीर के टुकड़े पूरी दिल्ली में बिखेरे गए। उनकी पत्नी सुशील कौर के भाई ने कुछ टुकड़ों को इकट्ठा कर उनका दाह संस्कार जम्मू में किया। बंदा सिंह की अस्थियां आज भी रियासी में डेरा बाबा बंदा सिंह बहादुर के मठ में सुरक्षित है। बंदा की उपलब्धियों ने सिखों की नई पीढ़ी को आने वाले संघर्षों के लिए तैयार किया, जिससे वो अहमद शाह अब्दाली जैसे हमलावरों को मुंह तोड़ जवाब दे पाए और महाराजा रणजीत सिंह की विशाल सिख साम्राज्य खड़ा करने में कामयाब हुए। बंदा की वीर गाथा आज भी लोगों को नया इतिहास रचने को प्रेरित करती है। जिस जगह पर बंदा सिंह बहादुर और उसके 3 साल के बेटे अजय को मुगलों ने शहीद किया, उसे आज गुरुद्वारा शहीदी स्थान बाबा बंदा सिंह बहादुर के नाम से जाना जाता है। ये स्थान कुतुब मीनार से 1.5 किलोमीटर दूर मेहरौली नई दिल्ली में स्थित है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में जिस जगह गुरु गोविंद सिंह जी का डेरा था, उसे आज तख्त सचखंड श्री हुजूर अबचल नगर साहब के नाम से जाना जाता है। ये स्थान सिखों के 5 तख्तों में से एक है। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह के आदेश पर सन 1832 और 1837 के बीच एक गुरुद्वारा बनाया गया। गुरु गोविंद सिंह जी के वक्त प्रचलित प्राचीन प्रथा और रिवाज यहाँ आज भी बदस्तूर जारी है। चमकौर की लड़ाई के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगल बादशाह औरंगजेब को अहमदनगर एक पत्र जफरनामा भेजा, जिसमें उन्होंने बतौर इंसान उसकी कमियों, बतौर शासक उसकी जातियों और गुरुजी से उसके लोगों की वादा खिलाफी पर धिक्कार था और चेतावनी देते हुए वो खालसा संकल्प याद दिलाया कि जब तक तुम्हारा शैतान राज खत्म नहीं हो जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। उनका जफरनामा पढ़ औरंगजेब विचलित हो गया। वो गुरु साहब से मिलना चाहता था, पर उससे पहले ही वो चल बसा। छप्पड़ छिड़ी के महायुद्ध में बाबा बंदा सिंह बहादुर की वजीर खान पर हुई विजय की याद में उस जगह पर एक भव्य स्मारक बनाया गया है। ये स्थान चंडीगढ़ से कुछ मील दूर है। वाहेगुरु जी, तो देखा आपने किस तरह एक बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। और हमेशा ऐसा ही होता है, बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी मात्रा में ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन सच्चाई हमारी छोटी होती है पर जीतती वही है। और यहाँ पर वजीर खान का जो हाल हुआ है ना, सच में मैं बंदा सिंह बहादुर को सच सच नमन करती हूँ कि उन्होंने आखिर उन्होंने बदला नहीं लिया, क्योंकि हमारे गुरु गोविंद सिंह जी चाहते नहीं थे कि कभी कि वो कोई बदला के मतलब उद्देश्य आप कोई काम करें। उन्होंने बस जो वहाँ की प्रजा थी, जो सताई हुई प्रजा थी ना वजीर खान से, केवल उनको आज़ाद कराना चाहा। इसके लिए उन्होंने अपने बेटे तक, अपनी माँ, मतलब अपना पूरा वंश वार दिया, सोचिए। लेकिन तब भी वजीर खान को ये लगा कि उसकी शायद जीत हो गई, लेकिन वो भूल गया था कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन ज़रूर भरता है। और वो किस तरह से जब
अपनी कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, तो सेम यहाँ पर ऐसा ही हुआ। जब बंदा सिंह बहादुर ने सोचिए इतनी प्रजा थी उसके पास में, तलवारें तोपे तीर प्रजा मतलब इतनी ज़्यादा मतलब संख्या थी उसके पास भी, लेकिन उसके बावजूद भी वो हार गया। क्यों? क्योंकि अगर सच की राह पर वो होता ना तो वो कभी डरता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ बंदा सिंह बहादुर मतलब क्या बोलूँ मैं इनके लिए, सोचिए कि किस तरीके से उनका एक निर्मल मन था और वाहेगुरु से मिलने के बाद, उस गुरु गोविंद सिंह जी से मिलने के बाद उनका मन किस तरह से चेंज हुआ, किस तरीके से परिवर्तन हो गया कि उन्होंने वजीर खान जैसे राक्षस को मतलब मार दिया और बहुत अच्छा किया। बस इतना कहना चाहूँगी कि हमारी ये मूवी बहुत 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 अच्छी थी, लेकिन मेरे कुछ ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे बहुत ऐसी हिस्ट्री बताई है जिनके बारे में इस मूवी में नहीं दिखाया गया है। तो सोचिए हम इतनी सी मूवी देख के पूरी जो उनके साथ हुआ तो उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़े से ज़्यादा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें जो दिखाया गया वो बहुत कम मात्रा में था। असल में जो हुआ था ना वो हमारे वाहेगुरु और माता जाने। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ फिर से आपको किसी ऐसे ही सिख से ऐतिहासिक वीडियोज़ में, तब तक आप लोग अपना और अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।